फर्स्ट एम सी क्यू है और देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है सो दिसम सी क्यू नंबर स्टेटमेंट हैल टी आई सिस्टम ओके ये दो स्टेटमेंट देखे लगे हैं स्टेटमेंट वन इज देर इज नो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट बीबो स्टेबल सिस्टम विथ अ पोल इन द राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड स्टेटमेंट टू क्या है देर इज नो कॉजल एंड बीबो स्टेबल सिस्टम विथ अ पोल इन द राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन सो ये दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है डिफरेंस एक ही चीज का है यहाँ पे एडिशन दिया है कॉजल सिस्टम है ना और यहाँ पे बोला है कोई भी जेनरिक सिस्टम सो दिस इज फॉर अ जेनरिक सिस्टम ये कोई भी सिस्टम हो सकता है कॉजल नॉन कॉजल एंटी कॉजल बट यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है कि ये सिस्टम कॉजल है एंड बीबो स्टेबल है राइट right? सो so, ये दोनों में से क्या पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है सो लेट्स सी द सॉल्यूशन सो सबसे पहले सो वॉट डू मीन बाय बीबो स्टेबल सिस्टम सो ये हमारा समझो कोई भी सिस्टम है राइट right? सो so, उसका ये कोई इनपुट है आर ऑफ टी ना बीबो मतलब के मेरा ये जो है इनपुट वो बाउंडेड है मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड की लोअर और अपर रेंज फिक्स है और बीबो आउटपुट मतलब कि अगर उसका आउटपुट वाई ऑफ टी है सो so वो भी बाउंडेड है मतलब कि उसकी लोअर और अपर रेंज फिक्स है और जब मैं बाउंडेड आर ऑफ टी देता हूँ तो मुझे बाउंडेड वाई ऑफ टी मिलता है राइट और ऊपर से यह बोला गया है कि दिस इज़ अ स्टेबल बीबो सिस्टम मतलब कि यह जो सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेल्टा एस उसके जितने भी पोल्स है वो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होंगे सो so, देखने से हमें ये पता चल रहा है कि स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट बट इसमें एक चीज़ हिडन है अगर हमारे पास सिर्फ हमें ये सिस्टम ही दिया गया होता और बोला गया होता कि यह सिस्टम में स्टेबल सिस्टम है और उसका एक पोल राइट हैंड साइड है तो ये पॉसिबल है कि नहीं तो हम बोलते नहीं पॉसिबल है बट यहाँ पे एडिशनली दिया गया है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट तो आप समझो कि ये सिस्टम का एक पोल राइट हैंड साइड है ठीक है मतलब कि सिस्टम इज ओपन लूप अनस्टेबल बट बिकॉज ऑफ सम इनपुट बाउंडेड इनपुट ये भी तो पॉसिबल है कि कोई इनपुट के कॉम्बिनेशन पे हमें सिस्टम का आउटपुट बाउंडेड मिल जाए अगर प्रेजेंट में नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर में मिल जाए तो ये कह देना कि कोई भी जेनरिक सिस्टम या कोई भी जेनरिक प्लांट ठीक है देर इज नो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम विद पोल इन द राइट एंड हाफ ऑफ वेस्टमेंड हा मतलब के ये पॉसिबल ही नहीं है जेनेरिक सिस्टम के लिए ये फॉल्स है ठीक है बट अगर मैं ये प्रिसाइज कर दू कि ये जो मेरी सिस्टम है वो फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करती दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आर ऑफ टी दे रहा हूँ यहाँ पे मुझे मिल रहा है वाई ऑफ टी और कुछ टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे इसका आउटपुट क्या मिल रहा है ठीक है उसके ऊपर ये सिस्टम डिपेंड नहीं करती तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कि अगर मेरे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा जो एक पोल है वो अगर राइट हैंड साइड पर है तो डेफिनेटली ये सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं होगी बट मैं जेनरिक सिस्टम के लिए बोलूँ तो ये स्टेटमेंट गलत है सो so आपको क्या पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट मतलब कि हमारा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है सो so हमारा क्वेश्चन नंबर टू ये है और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या देखे रखा है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ़ एस प्लस वन अपॉन एस रेस टू पी एस प्लस टू एस प्लस थ्री मतलब कि इसका जो टाइप है सिस्टम का वो है पी राइट एस रेस टू पी क्या बोला गया है वेर पी इज एन इंटीजर बराबर है इंटीजर ऑर्डर सिस्टम है इज़ कनेक्टेड इन अ यूनिटी फीडबैक कॉन्फिग्रेशन एज शोन इन फिगर बराबर है सो दिस इज जी ऑफ़ एस एंड दिस इज एच ऑफ़ एस विच इज यूनिटी फीडबैक सो एच ऑफ़ एस इज वन गिवन दैट द स्टडी स्टेट एरर इज जीरो फॉर यूनिट स्टेप इनपुट एंड इज सिक्स फॉर यूनिट रैम इनपुट सो स्टडी स्टेट एरर जब हमलेट से मैं यूनिट रैम को आर ओफ टी बोलता हूँ इट इज़ जीरो द वैल्यू ऑफ पैरामीटर पी हमें पी जो है पैरामीटर उसका वैल्यू फाइंड करना है ओके okay. तो so सबसे पहले व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल हमारे पास प्लांट की इंफॉर्मेशन है सिस्टम की जी ऑफ़ फस दैट इज़ एस प्लस वन अपॉन एस रेस टू पी एस प्लस टू एस प्लस थ्री ओके एंड हमारे पास एच ऑफ फेस की इंफॉर्मेशन है वो है यूनिटी फीडबैक सो इसके ऊपर से हमें जीओ फेस इंटू एच ऑफ फेस मिल जाएगा और इसे क्या कहते हैं लूप ट्रांसफर फंक्शन राइट सो हमारे पास लूप ट्रांसफर फंक्शन की इंफॉर्मेशन है उसके बाद में हमें दो कंडीशन दे के रखी है फॉर यूनिट स्टेप इनपुट स्टेडी स्टेट एरर इज़ ज़ीरो एंड फॉर यूनिट रैम्प इनपुट स्टेडी स्टेट एरर इज़ सॉरी इट इज नॉट ज़ीरो इट इज़ सिक्स ओके सो लेट्स गो विथ रैम्प इनपुट सो हमें पता है कि सिस्टम का जो टाइप है वो तो है पी राइट right? और सिस्टम का जो इनपुट है अगर मैं रैम्प इनपुट की बात करूं तो वो है यूनिट रैम ठीक है सो इसके लिए हमें स्टेडी स्टेड एरर जो है उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा वो हमें स्टैंडर्ड टेबल के हिसाब से तो पता है पर जेनरिक फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा ई एस एस इक्वल्स टू एस लिमिट एस टेंस टू जीरो आर ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस राइट आप वो टेबल भी याद कर सकते हैं या तो ये जेनरिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं ये जेनरिक फॉर्मूला आप कोई भी सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो है ना एल सिस्टम के लिए सो so ये बाउंड नहीं रहेगा आपके ऊपर के सिस्टम टाइप ज़ीरो या टाइप वन या टाइप टू हो या तो फिर उसका इनपुट स्टेप रैम्प या पैराबोला हो आप कोई भी इनपुट के लिए अप्लाई कर सकते हो और कोई भी टाइप के सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो सो so ये क्या आएगा एस अब हमारा यूनिट रैम्प है तो उसके लिए हमें उसका एस फंक्शन क्या मिलेगा यूनिट रैम के लिए दैट इज़ वन बाय एस स्क्वेर राइट सो एस लिमिट एस टेंस टू जीरो आर ऑफ़ फेस इज वन अपॉन एस स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस अब ऑफ़ फेस एच ऑफ़ फेस क्या देखे रखा है दैट इज एस प्लस वन अपॉन एस रेस टू पी एस प्लस टू एस प्लस थ्री राइट अब हम क्या करेंगे इफ़ यू टेक दिस एस इन साइड ये एस को अगर अंदर ले जाएंगे सो हमारे पास ई एस एस का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर आएगा वन बाय एस राइट अगर वो एस को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ सो हमारा नीचे जो है डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या मिलेगा एस प्लस एस प्लस वन अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा एस अगर मैं एस को नीचे ले लूँ तो ये पी माइनस वन हो जाएगा एस रेस टू पी माइनस वन यहाँ पे क्या आएगा एस प्लस टू और यहाँ पे एच प्लस थ्री राइट सो ये हमारा स्टेडी स्टेट एरर है अब क्या बोला गया है कि जब हम यूनिट रैम्प इनपुट लेते हैं देन स्टेडी स्टेट एरर इज सिक्स और ऑफ कोर्स यहाँ पे s टेंस टू ज़ीरो है सो so अब हम अगर s टेंस टू जीरो ले ठीक है और स्टेडी स्टेट एरर हमें सिक्स करना है सो so, ये मिलेगा हमें ऊपर वन और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये तो s टेंस टू ज़ीरो हो गया सो so, ये ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो ये टर्म ज़ीरो टर्म ज़ीरो सो so, अभी हमारे पास क्या बचेगा वन अपॉन एस रेस टू पी माइनस वन यहाँ पे थ्री इंटू टू सिक्स सो so, अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ तो सिक्स इक्वल्स टू ये क्या हो गया एस पी माइनस वन ऑफकोर्स एस टेंस टू तो ज़ीरो है ही हमारे पास इंटू सिक्स तो ये सिक्स सिक्स कैंसल आउट हो जाएंगे सो so, हमारे पास क्या बचेगा एस रेस टू पी माइनस वन इक्वल्स टू वन अब आप देखो ये कौन सी कंडीशन में फुलफिल होगा अगर आप पी इक्वल्स टू ज़ीरो लो तो ये क्या हो जाएगा एस रेस टू माइनस वन मतलब जब आप एस टेंस टू ज़ीरो लोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब के पी इक्वल्स टू जीरो इज नॉट अ राइट ऑप्शन यू टेक पी इक्वल्स टू वन सो आप जब पी इक्वल्स टू वन लोगे तो ये एस रेस टू जीरो हो जाएगा एंड वॉट इज एस रेस टू जीरो एस रेस टू जीरो इज वन मतलब के फॉर पी इक्वल्स टू वन कंडीशन में हमें रैम इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर मिल रही है सिक्स राइट right? मतलब के हमारा इसमें p का जो वैल्यू है वो आएगा p इक्वल्स टू वन सो p इक्वल्स टू वन इज अ राइट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू सो सो हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू डेट इज क्वेश्चन नंबर थ्री ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कंसिडर अ स्टेबल सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन ओके जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है एक पोलिनोमियल फॉर्म में और इसमें स्पेशल चीज क्या है इसका जो न्योमरेटर है उसका ऑर्डर जो है वो है पी एंड डिनोमिनेटर जो है उसका ऑर्डर है क्यू राइट right? और आगे क्या दिया है वेर बी वन बी टू अपू बी पी एंड ए वन अप टू ए क्यू आर रियल वैल्यूड कांस्टेंट्स, मतलब कि इसके जो भी कोफिशेंट है वो रियल वैल्यू कॉन्स्टेंट है द स्लोप ऑफ द बॉडी लॉग मैग्नीट्यूड कॉ जियो फेज कन्वर्ज इज टू माइनस सिक्सटी डीबी पर डिकेड एज ओमेगा टेंस टू इन्फाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट जो स्लोप है वो माइनस सिक्सटी है और क्या बोला गया है अ पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर पी एन क्यू इज तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो वापिस डेटा लिख देते हैं क्या डेटा दिया है इट हैज अ फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट विच इज द स्टेडी स्टेट फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर स्लोप क्या दिया गया है तो उसके ऊपर हमें स्लोप दिया गया है माइनस सिक्सटी डी बी पर डिकेड अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हो स्टेट्स इसको कोरिलेट कर सकते हो रूट लोकस के कॉन्सेप्ट से मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस देके रखे हैं तो रूट लोकस में हम अगर यही चीज को को रिलेट करें तो हमें एन पी माइनस एन जेड एक टर्म मिलता है जिसका यूज हम कर सकते हैं एंगल ऑफ एसेम फाइंड फाइन करने के लिए एज वेल एज सेंट्रोइड फाइन करने के लिए और एंगल ऑफ एसेमटोड्स क्या होता है एट एस टेंस टू जीरो आपका जो रूट लोकस है उसका फाइनल शेप क्या होगा स्टेडी स्टेट में है ना सो सेम वे अगर हम बॉडे मैग्नीट्यूड प्लॉट बात करें तो एन पी माइनस एन जेड की इन्फॉर्मेशन से हमें स्टेडी स्टेट स्लोप मिलेगा या तो उल्टा बोले कि स्टेडी स्टेट स्लोप की इन्फॉर्मेशन से हमें एन पी माइनस एन जेड मिलेगा सो so यहाँ पे स्टेडी स्टेट स्लोप का इन्फॉर्मेशन देख के रखा है और क्या है इन्फॉर्मेशन हमारे पास सो वी हैव द इन्फॉर्मेशन एनपी माइनस एनजेड मतलब के और द इंफॉर्मेशन इज स्लोप स्टेडी स्टेट स्लोप इज माइनस सिक्सटी डिब्री पर डिकेड सो वॉट इज एन पी माइनस एनजेड रिलेटेड टू दिस ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग एल्स बट एनपी इज नंबर ऑफ पोल्स मतलब के ऑर्डर ऑफ पोल्स वॉट इज दैट दैट इज क्यू एंड एनजेड

अब आप चेक करो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस कहाँ पे Q माइनस पी इक्वस टू थ्री सेटिस्फाई हो रहा है सो इफ यू फाइंड अ पॉसिबल पेयर ऑफ P एंड Q, सो so अगर आप ए चेक करोगे तो उसमें P इक्वल टू जीरो क्यू इक्वस टू थ्री हो रहा है C नहीं सेटिस्फाई कर रहा है D भी नहीं और B भी नहीं सो अवर राइट ऑप्शन इज ए P इक्वल टू जीरो एंड Q इक्व टू थ्री राइट तो आज की सीरीज का हमारा एम सी क्यू नंबर फोर ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोल जीरो कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ फेज लेग कंट्रोलर और ब्रैकेट में दिया है लेग कंपेंसेटर सो सबसे पहले बेसिक जानते हैं फेज लेग कंट्रोलर क्यों लिखा है क्योंकि जैसे हमारे पास पी आई डी होते हैं जो ट्रांसजेंड और स्टेट इंप्रूवमेंट के लिए यूज होते हैं सिस्टम के सेम वे हमारे पास फेज़ लीड या फेज लेग कंपेंसेटर होते हैं दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ कंट्रोलर है, है ना तो हम उसे फेज लेग कंट्रोलर भी बोल सकते हैं सो लेट्स गो अहेड। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है फेज लेग कंट्रोलर और हमारे पास ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं जिसमें उसके एस मैप दिए हुए हैं सो फंडामेंटल ऑफ फेज लेग कंपेंसेटर या तो फेज लेग कंट्रोलर क्या होता है अगर हमारे पास फेज लेग कंपेंसेटर सी ऑफ एस है तो उसे हम पोल जीरो गेन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं के सी एस प्लस जेड सी अपॉन एस प्लस पी सी जहाँ पे के सी इज़ अ कंपेंसेटेड गेन, जेड सी एंड पी सी है कंपेंसेटेड ज़ीरो एंड कंपेंसेटेड पोल और अगर ये लेग कंपेंसेटर है सो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ जेड सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी सी ऑलवेज ग्रेटर देन वन मिलेगा ये उसकी प्री कंडीशन है मतलब कि ZC और PC की एप्सोल्यूट साइन वो ऑलवेज PC के मैग्निट्यूड से ज्यादा होगा राइट सो so, यह कंडीशन के ही तो हमें एस मैप ZC और PC के हिसाब से कैसा मिलेगा सो so, अगर हमें फेज लेग कंपेंसेटर का एस मैप बनाना है पोल जीरो कॉन्फिग्रेशन का तो कैसे मिलेगा अगर कंसीडर करो कि हमारे पास जेड सी यहाँ कहीं पे है लेफ़्ट हाफ में और पी सी उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कम रहेगा तो अगर इस इन दोनों का ही रूट लोकस बनाया जाए मतलब कि उसके पोल जीरो लोकेशन हो गए माइनस जेड सी एंड माइनस पी सी तो कैसा आएगा ये जो पोल है वो ज़ीरो की ओर अट्रैक्ट होगा और इट मूव्स टुवर्ड्स द ज़ीरो मतलब कि हमें जेड सी और पी सी के बीच में आर एल पाथ मिलेगा और पोल की डिरेक्शन होगी टूवर्ड जीरो अगर सिर्फ कंपेंसेटर है और उसका रूट लोकस बनाए तो सो so इसे कहते हैं सिंगल फेज लेग कंपेंसेटर। सो इफ वी चेक फ्रॉम ए एंड बी ऑप्शन वी कैन क्लियरली फाइंड वॉट इज द राइट ऑप्शन राइट अब दूसरा मोड देखते हैं हमारे पास अगर ड्यूअल फेज लेग कंपेंसेटर है मतलब के हमारे पास दो फेज लेग कंपेंसेटर एक दूसरे के कास्केड कॉम्बिनेशन में है तो हमें क्या मिलेगा सो लेट सी तो वो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से एस प्लस जेड सी वन अपॉन एस प्लस पी सी वन इंटू एस प्लस जेड सी टू अपॉन एस प्लस टू राइट कंपेंसेटर वन कंपेंसेटर टू और अगर दोनों का कंपेंसेट गेन कॉमन है के सी सो so उसका हमें ट्रांसफर फंक्शन यह मिलेगा अब इसके लिए हम एस मैप बनाए, पोल ज़ीरो मैप बनाए तो वो हमें कैसा मिलेगा लेट्स से दिस इज इमेजनरी एक्सिस दिस इज रियल एक्सिस और हमें पोल ज़ीरो की पैर इस तरह से मिलेगी जेड सी पी सी वन के लिए और जेड सी पी सी टू के लिए मतलब के पोल की पैटर्न क्या होगी पोल ज़ीरो की जेड सी पी सी जेड सी पी सी अब अगर हम कंपेयर करें सी और डी ऑप्शन से तो वो कहीं पे भी मैच नहीं हो रहे हैं मतलब कि हमारे पास सी और डी में दिए गए ऑप्शन डिबल लेग कंपेंसेटर नहीं है तो अभी हम सिंगल लेग कंपेंसेटर के ऑप्शन चेक करेंगे तो क्लियरली हमें ये पता चलेगा कि अबर ऑप्शन ए इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल फेज लेकड़ सो दिस इज अवर एम सी क्यू नंबर फाइव और ये शुरुआत हो रही है टू मार्क्स के एमसीक्यू से सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एल टी आई सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन मतलब कि यह दिया है ओपन लुफ ट्रांसफर फंक्शन जीओफे के एस्क्वायेर प्लस टू एस प्लस टू अपॉन एस माइनस थ्री एस प्लस टू मतलब इस कनेक्टेड इन अ यूनिटी फीडबैक मतलब कि हमारे पास जो एच ऑफ एस है वो वन है यूनिटी फीडबैक ओके फॉर द क्लोज लूप सिस्टम शोन द रूट लोकस फॉर जीरो लेस देन के लेस देन इनफाइनाइट इंटरसेक्स द इमेजनरी एक्सेज फॉर के इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव ओके द क्लोज लुप सिस्टम इज स्टेबल फोर ओके okay, मतलब कि ये सिस्टम जो है पूरी क्लोज लूप सिस्टम उसको स्टेबल होने के लिए के की कौन सी कंडीशन सही है दैट वी नीड टू फाइंड सो अगर इसका हम सॉल्यूशन सोचे सो so, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वी नीड टू गो फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कोई भी क्लोज लूप सिस्टम की स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है वन प्लस जी ओफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू ज़ीरो राइट सो हम इसको सोल्व करेंगे सो so, हमारे पास जी ऑफ एस क्या है के स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस टू एंड एच ऑफ एस जो है वो यूनिटी फीडबैक है दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो सो इसको हम एक्सपांड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो so, हमें हमारी इक्वेशन कौन से फॉर्म में मिलेगी इस तरह से मिलेगी अगर आप सॉल्व करोगे तो एस स्क्वायर और उसका जो कोईफिशियंट होगा वो होगा के प्लस वन प्लस एस और उसका जो कोईफिशेंट होगा वो होगा टू के माइनस थ्री प्लस टू के प्लस टू राइट अगर आप उसे एक्सपांड करोगे सो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी ठीक है सो ये जो क्लोज लूप सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब हमारे पास है दिस इज डेल्टा एस राइट अब हम क्या कर सकते हैं हमें पता है वी केन यूज़ द राउथ हरविट्स क्राइटेरिया और उसका यूज़ करके वी कैन प्रिपेयर राउथ हरविट्स एरे सो राउथ हरविट्स एरे बनाएंगे सो so, हमारे पास एस्क्वेर है एस है और वन है और इसकी कोई फीशन यहाँ पर क्या है हमारे पास के प्लस वन यहाँ पे क्या है टू के माइनस थ्री सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा के प्लस वन यहाँ पे होगा अगर टू कॉमन निकाले तो ये भी हो जाएगा के प्लस वन यहाँ पे रहेगा टू के माइनस थ्री यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे क्या आएगा दिस इज अगेन टू ऑफ के प्लस वन सो ये जो है दिस इज द फर्स्ट कॉलम है ना सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ हरवि एरे सो so, हमें पता है ये कॉलम वन के अगर सभी कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे या तो सेम साइन के होंगे तो हमारी जो सिस्टम होगी वो हमें एब्सोल्युटली स्टेबल मिलेगी सो so, अगर सबकी साइन सेम है मतलब कि अगर हमारा जो ये के प्लस वन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब कि इक्वल गिवस के ग्रेटर देन माइनस वन है ना अगर हमारा टू के माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो है जो हमें देगा के ग्रेटर देन 1.5 और हमें पता है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट ये जीरो होता है ये भी जीरो है तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगी और अगर सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगी तो वो इमेजनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी कौन से पॉइंट पे के मार्जिनल की वैल्यू अगर इसको जीरो करो तो वो आपको देगी 1.5 जो ऑलरेडी दिया है K K के इक्वल्स टू वन के ऊपर इट इंटरसेक्ट्स विद द इमेजनरी एक्सिस राइट अब हमें इंटरसेक्शन नहीं चाहिए हमें एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चाहिए सो ना द थर्ड कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा के प्लस वन जो है उसे ग्रेटर देन ज़ीरो करना पड़ेगा सो दिस विल अगेन गिवस के ग्रेटर देन माइनस वन ठीक है सो आप देखो ये कंडीशन भी दोनों सेम है और दूसरी कंडीशन है के ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव सो so, ये दोनों में से स्ट्रॉग कंडीशन कौन सी है 1.5 क्योंकि अगर k ग्रेटर देन माइनस वन है तो इट इज़ नॉट श्योर कि आपका k 1.5 से बड़ा है बट इफ योर k इज ग्रेटर देन 1.5 पॉइंट फाइव देन इट इज़ फिक्स कि आपका k माइनस वन से बड़ा होगा सो द राइट कंडीशन इज a k ग्रेटर देन 1.5 अब ये दो मार्क का एम था इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया और थोड़ा आगे एनालिसिस किया बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कैसे कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स पोल कॉम्प्लेक्स जीरो है तो आपको एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि अगर ये इमेजिनरी एक्सिस है और हमारा रूट लोकस जो है अगर ये समझो कॉम्प्लेक्स पोल है कोई और यहाँ से वो हो के इस डिरेक्शन में जा रहा है और हमारे पास अगर अवेलेबल वैल्यू है यहाँ के इंटरसेक्शन की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू देखे रखी है ये इंटरसेक्ट करता है के इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव राइट और दिस इज अ पॉजिटिव सिस्टम सो so, अगर के की वैल्यू वन पॉइंट फाइव से बढ़ाई तो क्या होगा वन पॉइंट फाइव तक वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक जा रहा है दिस इज़ अ इमेजनरी एक्सिस राइट बट अगर के की वैल्यू वन पॉइंट फाइव से बढ़ाई सो so वो हमें पता है कि इस डिरेक्शन में जाएगा इस डिरेक्शन में जाएगा राइट एंड साइड जाएगा राइट right? जस्ट फॉर अ कॉम्प्लेक्स पोल सेम सो हमें यहां से भी डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इफ योर के की वैल्यू इफ ग्रेटर देन के मार्जिनल तो भी हमारी सिस्टम अनस्टेबल होगी सो आप डायरेक्टली ये के का जो वैल्यू दिया है वन पॉइंट फाइव उसका ही यूज करके फाइनल ये कंडीशन अचीव कर सकते हो ठीक है so, सो ये आपको डिटेल में एनालिसिस है ये शॉर्ट एनालिसिस है राइट right? तो so, हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हमारा एम सी क्यू नंबर सिक्स ये है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एम सी क्यू है इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है द नाइक्विज प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन मतलब कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है जी ऑफ एस के अपॉन एस्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू इन टू एस प्लस टू मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स पोल है और एक सिंपल पोल है डज नॉट एन सर्कल डज नॉट एन सर्कल पॉइंट माइनस वन प्लस जीरो जे फोर के इक्वल्स टू टेन ओके सो अगर हम यहाँ पे कंडीशन बनाए कि फोर के इक्वल्स टू टेन ये नाक्विस्लॉट माइनस वन प्लस ज़ीरो जे को एन सर्कल नहीं करता मगर मतलब के एन सर्कलमेंट जो है वो है ज़ीरो अराउंड माइनस वन प्लस ज़ीरो जे राइट बाई डिफॉल्ट हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट है माइनस वन एंड ज़ीरो जी बट डज एन सर्कल द पॉइंट माइनस वन प्लस जीरो जे फॉर के इक्वल्स टू हंड्रेड और अगर हम के इक्वल्स टू हंड्रेड की बात करें तो हमें एन सर्कल एन सर्कलमेंट मिल रहा है अब कितना एन सर्कलमेंट बट डज एन सर्कल अभी कितना एन सर्कल कर रहा है दैट इज नॉट स्पेसिफाइड सो लेट से वो एन सर्कल कर रहा है प्लस और माइनस ए जितना है ना एन सर्कल कर रहा है प्लस और माइनस ए वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और पता है हमें कि अगर यहाँ पॉजिटिव साइन हो गई कब जब वो काउंटर क्लॉकवाइज एन सर्कल करेगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन होगी जब वो क्लॉकवाइज एन सर्कल करेगा ठीक है सो हमारे पास ये दो कंडीशन दी है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इट राइट अब आगे देखते हैं देन द क्लोज लूप सिस्टम हैविंग यूनिटी फीडबैक गेन मतलब कि और एक चीज़ स्पेसिफाई कर दी है हमारा जो एच ऑफ एस है वो वन है सो so हमें ये चार कंडीशन में देखना है कि केक वस्तु टेन के ऊपर क्या ये क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा और केक वस्तू हंड्रेड के ऊपर स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा ठीक है so सो हम कैसे इसे सॉल्व करें सबसे पहले तो हमारे पास ऑफ एस इंटू एच ऑफ़ एस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो है हमारा लूप ट्रांसफर फंक्शन तो वो क्या है के अपॉन एस प्लस टू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू है ना अब आपको एन दे के रखा है जीरो अब आपको पता है एन सर्कलमेंट मतलब क्या एन सर्कलमेंट मतलब नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट एंड साइड माइनस नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट एंड साइड अब ये जीरो है मतलब के क्या हो गया नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट एंड साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट एंड साइड राइट अब आपको ये कहाँ से मिलेगा नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स आपके पास ऑलरेडी जी ओफ एस एच रखा है ये सो इफ यू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम्स आपको ये सारे पोल के जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव मिलेंगे मतलब कि ये पोल और ये पोल दोनों स्टेबल पोल है मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ये दोनों पोल मतलब कि आपका जो ओपन लूप पोल है राइट हैंड साइड वो कितना हो गया जीरो सो so अगर ये जीरो हो गया मतलब कि आपका नंबर ऑफ पोल क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड कितना हो गया जीरो अब आपको पता है सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स जीरो हो गए राइट हैंड साइड में मतलब के सिस्टम क्या हो गया स्टेबल मतलब के अगर आप के इक्व टू टेन लेते हैं तो यह क्लोज लूप सिस्टम को स्टेबल करता है तो हमारे पास कौन से ऑप्शन है एक ये ऑप्शन है स्टेबल एंड स्टेबल फॉर के इक्वल टू टेन ये दो ऑप्शन है. है ना पर ये दो ऑप्शन में से एक चूज़ करने के लिए हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी K 100 के इक्वल टू हंड्रेड के ऊपर सो लेट्स अगेन यूज़ दिस एनालिसिस यहाँ पे एन सर्कलमेंट एन इक्वल टू यही फॉर्मूला यूज करेंगे एन पी ओ माइनस एन पी सी देखो जनरली ये फॉर्मूला कई बुक में या कई रेफरेंस मटेरियल में आप देखोगे तो पी माइनस जेड होता है बट बच्चों को या जो भी गेट एक्सपीरियंस है उसे प्रॉब्लम क्या होता है पी मतलब वो पोल समझ लेता है और जेड मतलब वो जीरो समझ लेता है है ना तो वही चीज़ को आसान करने के लिए मैंने नंबर ऑफ पोल्स ओपन लूप जो राइट हैंड साइड है वो और नंबर ऑफ पोल्स क्लोज लूप जो राइट हैंड साइड है वो इसलिए मैंने ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किया है तो यहाँ पे देखे तो ओपन लूप पोल्स राइट एंड साइड पे तो है ही नहीं ज़ीरो बट ये जो है ये हमें पता नहीं है और अब हमारे पास एंसर कॉलमेंट कितना है प्लस और माइनस ए जितना तो इसके ऊपर से हमें जो पी है वो क्या मिलेगा इसको इस तरफ ले जाओ इसको इस तरफ ले जाओ तो so ये मिलेगा नेगेटिव पॉजिटिव ए है ना और ये ए जो है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि हमारे सिस्टम में क्लोज लूप सिस्टम में जब के इक्वल टू हंड्रेड लेते हैं तो कुछ क्लोज लूप पोल्स है सम क्लोज लूप पोल्स सम क्लोज लूप पोल्स है जो राइट हैंड साइड पे है और हमें पता है अगर सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स चाहे एक भी क्यों ना हो वो राइट हैंड साइड पे है तो सिस्टम हमारा क्या होगा अनस्टेबल सो so, हमारा आंसर ये होगा फॉर के इक्वल टू टेन इट इज स्टेबल एंड फोर के इक्वल्स टू हंड्रेड इट इज ऑन स्टेबल सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी ठीक है सो so ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप दूसरी तरह कैसे भी सोल्व कर सकते हो कैसे सोल्व करोगे इसके ऊपर से यू कैन फाइन डेल्टा एस दैट इज वन प्लस जी ओ फस एच ओफ एस इक्वल्स टू जीरो आपके पास जी ओ फैस एच ओफ एस है आप सबसे पहले डेल्टा वन एस फाइन करो फोर के इक्वल्स टू टेन और बाद में डेल्टा 2s एस फाइन करो फॉर k इक्वल्स टू हंड्रेड है ना सो यूजिंग राउत हरविट्स क्राइटेरिया आपको स्टेबिलिटी पता चल जाएगी बट मुझे लगता है कि हमें नाइक्विज थियरम या तो नाइक्विज क्राइटेरिया का यूज करके ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा है ना सो यू कैन यूज आइदर मैथड यू कैन यूज दिस मैथड और दिस मैथड सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट एम सी क्यू दैट इज अ फाइनल एम सी क्यू हमारा फाइनल एम सी क्यू हमारे ये वीडियो लेक्चर का ये है दैट इज एम सी क्यू नंबर सेवन इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो इक्वेशन ये है हमारे पास एस फोर प्लस एसक्वा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है हमारे पास कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है एस फोर प्लस लेट्स है जीरो एस क्यूब क्योंकि एस क्यूब पार्ट मिसिंग है प्लस एस स्क्वेर प्लस जीरो एस प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो सो ये हमारा पहला पार्ट है हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल फॉर्म है ना फिर अब हमारे पास चार ऑप्शन है ए फोर लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन इसके जो रूट्स है अगर इसका ऑर्डर सबसे पहले तो क्या है द ऑर्डर एन इक्वल्स टू फोर मतलब कि इसके चार पोल्स होंगे ठीक है so, सो इसके ऊपर से हमें कमेंट करना है सो so, पहला ऑप्शन ये है चारों पोल लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे ओके okay. सेकंड है वन इन राइट हैंड साइड वन लेफ्ट हैंड साइड एंड टू ऑन इमेजनरी एक्सिस ओके थर्ड ऑप्शन इज दो राइट हैंड साइड पे दो लेफ्ट हैंड साइड पे ओके एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द फोर रूट्स ऑन द इमेजनरी एक्सिस सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन कौन सा सही है वो हमें कैसे पता चलेगा इसके लिए वी कैन यूज़ द राउथ थर्विट्स एरे राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया और बाद में हम राउथ हर्विट्स एरे बना सकते हैं ठीक है सो so अगर हम राउथ हर्विट्स एरे बनाएंगे सो so पोलिनोम के कोफिशन के हिसाब से एस फोर एस क्यूब एस स्क्वा एस और वन लिख दिया अब हम देखेंगे यहां पे हमें कंपोनेंट क्या मिलते हैं दिस इज वन दिस इज वन 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 एंड दिस इज वन फिर व्हाट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट दिस इज जीरो दिस इज जीरो है ना तो हम क्या कर सकते यहां पे इन प्लेस ऑफ जीरो से हम हाउ वी कैन सॉल्व दिस अगर एक कंपोनेंट जीरो है तो हम उसको स्मॉल इंटीजर एप्सिलॉन या डेल्टा ले सकते हैं बट अगर सारी रो जीरो है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा हमें यूज़ करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी इसके ऊपर का इक्वेशन ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा दैट इज एस फोर प्लस एस स्क्वायर प्लस वन और आप इसमें अगर ए डैश एस फाइन करोगे दैट इज़ डी ऑफ ए एस बाई डी एस तो वो आपको क्या मिलेगा सॉरी फोर एस क्यूब प्लस टू एस सो आप ये कोएफिशिएंट्स अगर यहां ले लोगे है ना अगर ये कोएफिशिएंट आप यहां रख दोगे इसके सो so यहां पे आपको क्या मिलेगा दिस विल बी फोर दिस विल बी टू राइट एंड दिस इज जीरो इट सेल्फ सो so, अब यहाँ फोर और टू ले लिया अब ये कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा लाइक दिस मल्टीप्लीकेशन फोर माइनस टू दैट इज़ टू डिवाइड बाय फोर सो फोर माइनस टू डिवाइड बाय फोर ये कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा फोर इंटू वन डिवाइड बाय फोर मतलब कि यहाँ वन मिलेगा ये कंपोनेंट तो ज़ीरो ही रहा फिर ये कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा अब ये आपको क्या मिलेगा टू बाय फोर दैट इज़ वन बाई टू मतलब कि पॉइंट फाइव सो अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इस तरह से सो पॉइंट फाइव इंटू टू दैट इज़ वन माइनस यहाँ पर आप करोगे तो फोर डिवाइड बाय दिस इज़ पॉइंट फाइव अगर मैं ये वन वाला है वो थोड़ा नीचे ले लूँ यहाँ पर आपको कंपोर्न क्या मिलेगा ज़ीरो ठीक है सो ये हो गया आपका पॉइंट फाइव ये क्वान्टिटी ये जो है दिस इज़ पॉइंट फाइव राइट right? ये क्वांटिटी जो है ये आपको क्या मिला दिस इज वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री बाय पॉइंट फाइव तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज माइनस सिक्स दिस इज माइनस सिक्स तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस सिक्स इंटू वन डिवाइड बाय माइनस सिक्स मतलब कि आपको मिला वन तो अगर आप देखो तो ये जो कॉलम वन है उसके कंपोनेंट्स क्या मिले आपको वन प्लस वन प्लस फोर प्लस पॉइंट फाइव माइनस सिक्स एंड प्लस वन तो आप इसमें साइन चेंज देखो तो साइन चेंज कितनी है यहाँ पे जीरो साइन चेंज यहाँ पे जीरो साइन चेंज, चेंज क्योंकि पॉजिटिव में से पॉजिटिव अब यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब के प्लस वन साइन चेंज और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब अगेन प्लस वन साइन चेंज मतलब प्लस टू तो आपको ये एनालिसिस मिला कि हमारे पास दो साइन चेंज है, है ना दो साइन चेंजेस तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे सिस्टम के दो पोल्स जो है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है अब हमारे दो पोल आरएचएस में है तो टोटल ऑर्डर चार है तो दो पोल जो होंगे बाकी के वो लेफ्ट हाफ ऑफ वेस्ट प्लेन होंगे ठीक है सो अगर ये दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करेंगे सो so हमारा सी ऑप्शन जो है वो हमें राइट right ऑप्शन मिलेगा सो so यहाँ पे सी इज द राइट ऑप्शन तो चलो गेट आस्पीडेंट्स यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर पूरा होता है और आपका काम शुरू होता है प्रिपरेशन का हमारी और हमारी चैनल को सपोर्ट और शेयर करने का सो so Bye bye to you all. Best wishes and all the best. Bye bye.